आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स जे मेंस में, मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट है उन पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया ए 1 1 1 1 3 -1 2 4 3, और बी क्या दे दिया? एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सी क्या दे दिया? 3 ऑफ ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो मैं इसमें ऐसे नहीं करूँगा कि पहले तो ए का एडजॉइंट निकालूंगा, फिर उसको बी मैट्रिक्स मानूंगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ए फिर सी मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना? हम अपने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ठीक है? तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी, यानी इस इक्वेशन में हम लोग ये जो इसने गिवन है बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैंने दोनों साइड में एडजॉइंट लिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ बी कितना बनेगा? एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अपॉन सी क्या है? 3 ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए। इतना समझ आया आपको, ठीक है? और हमारे पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, जहाँ पे एन क्या होता है? उसका ऑर्डर, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। तो 3 -1 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 अपॉन, जैसे हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के कितना होता है? के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो ये 3, तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? और इससे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3। तो बेसिकली इसका आंसर कैसा आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब by 27, ठीक है? यहाँ से अपन लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से अपन लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक? कैसे निकालेंगे वो, ठीक है? मैं अलोंग फर्स्ट रो निकालता हूँ, ठीक है? 1 × 3 = 9, 9 + 4 = 13, तो कितना हो जाएगा ये? 13 -1, ठीक है? -1 × 3 - 4, तो कितना हो जाएगा? +1, ठीक है? फिर कितना बनेगा? +2 × 3 - 4 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -8, ठीक है? तो ये कितना जाएगा? -8। तो डिटरमिनेंट ए कितना है मेरा यहाँ पे? 6। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे, 6³ / 27, ठीक है? ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट। तो ये मैंने डिटरमिनेंट ए निकाला, तो ये कितना आया था? 6 आया था, ठीक है ना? तो यहाँ से 6³ / 27 को जब आप लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 8। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग, यानी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो बेस्ड हमारा रेट ऑफ चेंज पे। यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? dQ/dt, यानी कोई क्वांटिटी है क्यू, ठीक है? एट अगर उसका रेट ऑफ चेंज पूछा जाए, ठीक है, तो वो कितना होता है? dQ/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? या dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पर जेई मेंस फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता ही रहता है, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से समझते हैं। एक स्पेरिकल आयरन बॉल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 10 cm। इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 cm³/min, ठीक है? तो यूनिट पे ध्यान दो आप लोग ना, ये इसने यूनिट कितना दिया है? cm³/min। सेंटीमीटर क्यूब का बात है, वॉल्यूम पे आता है, यानी ये क्या दे दिया? dv/, और मिनट दिया है तो t होगा टाइम, तो dv/dt आपको दे दिया 50 cm³। जब आइस मेल्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, कि किस रेट से जो आइस है वो डिक्रीज कर रही है? ऑफकोर्स जब आइस मेल्ट करेगी तो वो तो डिक्रीज करेगी ना, करेगी तो ऑब्वियस क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बताइए कि भाई किस रेट से वो कोट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो हम इस सॉल्यूशन देखते हैं, इसका गिवन क्या है हमें, ठीक है ना?
तो अगर इसको डायग्राम से समझा जाए, जैसे ये कोई स्फेरिकल आयरन बॉल है, ठीक है ना, इस पे एक कोट कर दिया हमने ना, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस से। ये यूनिफॉर्म थिकनेस मैंने कहा कितनी है, ये वाली एक्स है, कितनी है ये एक्स, ठीक है, ये एक्स है। तो ये इसने डी एक्स बाई डी टी पूछा। अच्छा गिवन क्या है, अच्छा इसकी रेडियस कितनी थी, 10 थी, ठीक है, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, बाहर वाले लेयर की रेडियस हो जाएगी 10 + x, और अंदर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो डी वी बाई डी टी गिवन है हमारा कितना है, -K 50 cm³/min, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि क्या करेगी, वो डिक्रीज कर रही है ना, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगी तो वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा कि नहीं, तो ऐसे डी बाई डी टी क्या हो गया, -K 50 cm³/min हो गया। अब उसने पूछा कि एट जब एक्स कितना हो जाएगा मेरा, 5 cm हो जाएगा, तो उस टाइम क्या करो, रेट ऑफ चेंज बताओ किसका, थिकनेस ऑफ आइस का। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 π, ठीक है, बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 + x³, ठीक है, और अंदर वाले कितनी जाएगी, 10³। तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, कोटेड लेयर का, ठीक है। तो डी बाई डी टी उसने दिया हुआ है, तो हम तो डी बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ से डी बाई डी टी कितना आएगा, 4/3 π, ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, 3 × 10⁻², 10⁻X को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, dx/dt, और ये तो 10 का क्यूब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा, 0, ठीक है। अब डी बाई डी टी दे रखा -50, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो 4/3 π, ठीक है, × 3, अगर x किस इंस्टेंट पे पूछा है, जब x कितना होगा, 5, यानी 15² यानी 15 × 15 dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से इस 3 से तो 3 कट जाएगा, ठीक है, अब 2 से ये 2 चला जाएगा, ये 25 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, अब 5 से कट करें तो ये 5 बचेगा यहाँ पे, और ये 3 बचेगा, फिर 5 से दोबारा कट करें तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ से dx/dt ये कितना जाएगा हमारे पास, ठीक है, -K 1/3 × 9⁻¹⁸ 18 π cm/min, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और इस पे फ्रिक्वेंटली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत मतलब वेरी लार्ज नंबर से, ठीक है, यानी अगर जेई मेंस हर साल होता है, ठीक है ना, तो हर साल ये क्वेश्चन इस टाइप से वो पूछते ही पूछते हैं, मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप से वो किसी ना किसी शिफ्ट में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमारे पास x1 x2 से लेके xn ऑब्जर्वेशंस है, जिनका मीन कितना है x̅, और उनका वेरिएंस कितना है σ²। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मीन पे तो फर्क पड़ेगा, तो मीन कितना हो जाएगा, x̅ + -k, लेकिन वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पे, अगर हम लोग किन्हीं ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सेपरेट करते हैं तो उसका मीन इफेक्ट करता है, तो उसका मीन कितना हो जाता है, जितना हम उसमें वो कांस्टेंट ऐड या सेपरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है। लेट ऑब्जर्वेशंस xi, कितना है, 1 से लेके 10, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 10, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। सेटिस्फाई द इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ xi-5 = 10 एंड समेशन ऑफ xi-5² = 40। इफ म्यू एंड लेमडा आर द मीन एंड द वेरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन x1-3 x2-3 एंड सोन अप टू x10-3, तो किसकी वैल्यू पूछी है, म्यू प्लस लेमडा का वैल्यू पूछा है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो हमने क्या कहा था, जो xi का मीन आएगा, ठीक है, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नए ऑब्जर्वेशंस x1-3 x2-3 up to x10-3 का मीन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं ना, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को ना, समेशन ऑफ xi-5 = 10, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कहना ये चाह रहा है x1-5, ठीक है, प्लस x2-5। मैं अगर किसी को समेशन समझ में नहीं आता है ना, तो मैं उसको समेशन बता रहा हूँ क्या मतलब होता है इसका ना,
और आई कितना है यहाँ पे, वन से लेके टेन तक। पहले वन रखेंगे तो एक्स वन माइनस फाइव हो जाएगा, फिर टू रखेंगे तो एक्स टू प्लस फाइव हो जाएगा। कब तक चलेगा ये ऐसे ही, एक्स टेन माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन। तो यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू एंड सोन कब तक, एक्स टेन तक। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा 5 को 10 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा, जब उसको 10 शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, 10 से। अगर इस इक्वेशन को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 6। तो जो एक्स वन ठीक है, एक्स टू एंड सोन, इनका मीन कितना है, तो इनका मीन है 6 ठीक है। अब हर ऑब्जर्वेशन इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से तीन तीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा तो मीन पे उतना ही फर्क पड़ेगा। तो 6 माइनस 3, तो नया मीन कितना हो जाएगा, 3 ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, क्योंकि म्यू क्या था, मीन, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, 3। अब मुझे क्या निकालना था, वेरियंस निकालना था। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेरियंस का ना। हम ये कहते हैं कि जो वेरियंस एक्स आई का होगा ठीक है, वही वेरियंस एक्स आई माइनस फाइव का भी होगा, क्योंकि किन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से कोई कांस्टेंट या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके वेरियंस पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वेरियंस का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो वेरियंस का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। वेरियंस सिग्मा स्क्वायर क्या क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये समेशन के फॉर्म में क्या होता है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये वेरियंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ठीक है हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई माइनस फाइव का वेरियंस निकाल लेते हैं। तो वो क्या, मैंने माना कितना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई माइनस फाइव, कितने ऑब्जर्वेशन है, 10, तो 10 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर, अच्छा सिग्मा स्क्वायर खुद अपने आप में वेरियंस होता है ठीक है, इसका अंडर रूट लेके ये वेरिएंस नहीं बनेगा, सिग्मा स्क्वायर अपने आप में खुद होता है वेरिएंस। तो सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे जब अपन लोग, तो 1/10 ये 40 था ठीक है, माइनस ये 10 था, तो 10/10 वन का स्क्वायर 1, तो कितना जाएगा, 4 माइनस 1 3 ठीक है। तो जो हमने क्या कहा, जो वेरियंस एक्स आई माइनस फाइव का है वही वेरियंस किसका हो जाएगा, एक्स आई माइनस थ्री का भी हो जाएगा, क्योंकि हमने भी कॉन्सेप्ट सीखा था, कोई किन्हीं भी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वेरिएंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से यही वैल्यू किसकी थी हमारी, ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी हमारी, लैम्डा की वैल्यू थी। क्या पूछा उसने, म्यू प्लस लैम्डा पूछा था, तो म्यू प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 ठीक है। आइए देखते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिक्स कॉन्सेप्ट है ठीक है, कंटिन्यूटी और लिमिट का ठीक है। इस पे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं जेई मेंस में ठीक है। लिमिट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 + x^n और x की टेंडेंसी 0 है ठीक है ना, तो 98 प्रॉब्लम में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + nx ठीक है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें पहले 1 होना चाहिए, फिर प्लस का साइन होना चाहिए, उसके बाद जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की टेंडेंसी उस पॉइंट पे जिस पे लिमिट निकलवाना चाह रहा है कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और उसकी पावर में क्या होना चाहिए, एन। एन यहाँ पे कोई भी रियल नंबर चल सकता है ठीक है। तो 98% प्रॉब्लम में तो हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 + nx तक लिखेंगे। एक दुख का प्रॉब्लम है, जैसे IIT का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें ठीक है, उसमें ही सिर्फ IIT की प्रॉब्लम में ही सिर्फ ये कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है, n·(n−1/2·x²) तक, वो भी बहुत रेयर केस में। अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्लम, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 98 या 99% प्रॉब्लम आप लोग किससे सोल्व कर सकते हैं, 1 + nx से सोल्व कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, कि किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन का लिमिट है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे ठीक है। आइए देखते हैं उस पर बेसिक प्रॉब्लम। इफ fx इज इक्वल टू sin a + 2 × x + sin x / x, x < 0, b = 0 अदरवाइज ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट विल बी x + 3x² की होल पावर 1/3 - x की पावर ऑफ 1/3 / x की पावर ऑफ 4/3।
इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो देन ए प्लस टू बी। तो इसकी वैल्यू आपको बताने दी, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए अच्छा यहाँ से, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट तो इस वाले फंक्शन नीचे लिखा है इस पर निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है बी। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, इसका लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन ए प्लस टू बाई एक्स। तो इसको एक्स से मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाई एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि साइन एक्स बाय एक्स, अगर एक्स की टेंडेंसी जीरो उसको उसका लिमिट कितना होता है वन, ठीक है। तो यहाँ से इसका लिमिट कितना हो जाएगा, अगर मैं ए प्लस टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, ए प्लस टू से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, जो न्यूमरेटर साइन के साथ जो आर्गुमेंट आया है, ठीक है, वही नीचे लिखने पे और उसी से मल्टीप्लाई करने पे और उसी से डिवाइड करने पे उसका आंसर कितना होता है वन। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ए प्लस टू, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया ए प्लस थ्री, ठीक है। अब क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर ऑफ फोर बाई थ्री, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना था, अगर मुझे वन प्लस एक्स की होल पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले तो वन होना चाहिए था और उस वेरिएबल की जो वन के बाद जो वेरिएबल आया उसकी टेंडेंसी जीरो होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने से यहाँ पे वन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो एक्स अगर बाहर कॉमन लूँगा तो ये एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री बनेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा ये थ्री, एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री प्लस एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर ऑफ फोर बाई थ्री। अब क्या है ये कैसा बन गया, वन प्लस ये पूरा, दिस पूरे को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर ऑफ एन, ठीक है। और थ्री, अगर एक्स की टेंडेंसी जीरो तो थ्री एक्स की भी टेंडेंसी कितनी होगी, जीरो ही होगी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वन प्लस एन एक्स वाला। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री, वन प्लस एन कितना है वन बाई थ्री, एक्स कितना था थ्री एक्स माइनस एक्स की पावर ऑफ वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर ऑफ फोर बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से थ्री से तो थ्री कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा ये वन, कितना जाएगा वन, ठीक है। तो जो बी है, बी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, बी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होगा, तो बी कितना हो जाएगा मेरा वन यहाँ पे। तो हमारा बी कितना होगा यहाँ पे वन, तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी आएगी वन। अगर बी वन है तो इस वाली इक्वेशन से ए प्लस थ्री इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो ए प्लस थ्री भी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल ही होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टू, ठीक है। जब तुम लोग ए प्लस टू बी में ए और बी की वैल्यू पुट करोगे वहाँ से, तो यहाँ से ए प्लस टू बी कितना जाएगा जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था जीरो, ठीक है ना। आई होप तुमको समझ में आया होगा ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जी मेन में, मिक्स कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ओके थैंक यू, आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉनिक सेक्शन पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसेंट्रिसिटी पर, ठीक है। जैसे इलिप्स के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, उसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस, ठीक है। इन दोनों में भी, ठीक है, जो छोटा नंबर होगा पहले तो उसको लिखते हैं अपॉन, अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखते हैं। तो ऐसे तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं हम लोग किसकी, इलिप्स की, ठीक है। हाइपरबोला के लिए हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन किस फॉर्म में, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन की फॉर्म में, तब तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर के नीचे जो कॉफिशियंट आया वो अपॉन जो एक्स स्क्वायर के नीचे कॉफिशियंट आया वो। अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन, ठीक है,
तब उसका एसेंट्रिसिटी कितना होगा, 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर के नीचे जो कोफिशियंट है वो, अपॉन वाई स्क्वायर के नीचे जो कोफिशियंट है वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम। इफ ए वन एंड ए टू आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एंड ई वन कोमा ई टू इज अ पॉइंट लाई ऑन द कर्व 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अच्छा बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो ई वन और ई टू निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है ना, ई वन ई टू वो भले ही रूट में आ रहा हो उसको रूट में सोल्व करने लगेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अगर ई वन ई टू इस कर्व पे लाई करते हैं तो बेसिकली, ठीक है तो बेसिकली कितना होगा, 15 एक्स कितना होगा ई वन, तो ई वन स्क्वायर प्लस 3 वाई कितना होगा ई टू, ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो बेसिकली आपको ई वन स्क्वायर और ई टू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ना कि ई वन ई टू की। ठीक है, तो हम लोग यार ये इलिप्स है, इलिप्स का मैंने बताया भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ई वन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों में छोटा नंबर कितना है 4, तो 4 अपॉन बड़ा नंबर कितना है 18, तो ई वन स्क्वायर कितना जाएगा 14 बाय 18। सही है, तो सिमिलरली हाइपरबोला के लिए इक्वेशन किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी ई टू स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 बाय ए स्क्वायर यानी 9। ठीक है, यानी कितना कितना हो जाएगा ये 13 बाय 9, कितना हो जाएगा 13 बाय 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ई वन स्क्वायर और ई टू स्क्वायर की वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। देखते हैं, तो 15 इंटू ई वन स्क्वायर कितना 14 बाय 18, ठीक है, प्लस 3 ई टू स्क्वायर कितना 13 बाय 9 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो 15 से 105 बाय 9, ठीक है ये कितना हो जाएगा 105 बाय 9 प्लस 33 39 बाय 9 इज इक्वल टू के। ठीक है, इट इम्प्लाइज तो के की वैल्यू कितना जाएगी 144 बाय 9, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से के कितना जाएगा हमारे पास 16, ठीक है कितना जाएगा 16। अच्छा वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ के, ठीक है तो रूट ऑफ के पूछता तो कितना जाता है 4 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसेंट्रिसिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी 6th कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ठीक है, ये किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इस पे। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, जहाँ पे जेड जेड वन जेड टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर के वन है तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर के वन नहीं है तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा लोकस ऑफ जेड, सर्कल होगा जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जैसे ये था मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा, इस मॉड को सेपरेट कर लेंगे, तो मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस टू आयोटा। अब क्या कर लेंगे, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर लेंगे, दोनों साइड में जब स्क्वेयरिंग करेंगे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा आयोटा इंटू वाई पुट करेंगे, तो वहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई टू आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग कर दिया तो रूट हट जाएंगे। तो रियल पार्ट कितना है फर्स्ट वाले पार्ट में एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड में इमेजिनरी पार्ट कितना वाई माइनस वन, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से वाई कितना आएगा आपका माइनस के हाफ। ठीक है, और मॉड जेड की वैल्यू कितनी की मैंने 5 बाय 2, तो मैंने क्या कर दिया दोनों साइड में स्क्वेयरिंग, तो यहाँ से मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 5 बाय 4। तो मॉड जेड का स्क्वायर, जैसे मैंने बताया आपको मॉड जेड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो रियल पार्ट कितना है इसका एक्स मॉड जेड का,
और इमेजिनरी पार्ट कितना है भाई, तो यहाँ से कितनी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, ठीक है, कितनी बनेगी यहाँ पे 25/4, सॉरी, ठीक है, कितनी बनेगी 25/4, कितनी बनेगी 25/4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब मुझे क्या करना है, मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा। तो मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई थ्री वाई प्लस थ्री आयोटा, और मॉड मैंने बताया क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू तो मुझे चाहिए नहीं, एक्स स्क्वायर ही चाहिए बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 पुट करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा कितना जाएगा मेरा, 7/2। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैंने बताया, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्या है ये प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मिक्स कॉन्सेप्ट है ये भी, फैमिली ऑफ सर्कल एंड टेंजेंसी कंडीशन टू द सर्कल पे बेस्ड है। सपोज करो हमारे पास एक लाइन एल गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस पॉइंट से पास करने वाले, यानी टच करने वाले, इस पॉइंट को जस्ट टच करते हुए कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन को बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है, उन सर्कल का इक्वेशन जो इस लाइन को x1, y1 पे टच करते हैं, उसका इक्वेशन होता है x-x1² + y-y1² प्लस जो लाइन का इक्वेशन होगा उसमें जो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला पार्ट है, बस इसी को रखेंगे, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, सेंटर से अगर हमने टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, जिसको पी बोला, सेंटर से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, वो हमने कितना बोला, पी, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गया सर्कल के, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द लाइन दैट इज अ टेंजेंट टू दैट सर्कल, ये लाइन उस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। तो देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जे मेन में तो हर साल, मतलब एक साल छोड़ के तो पूछा ही जाता है, मतलब ठीक है ना। तो आई होप कि इस साल भी, ठीक है, अप्रैल में जो पेपर होने वाले हैं हमारे, या पोस्टपोन हो गए हैं अप्रैल से, आगे बाद में भी जब कभी भी होंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ना। तो क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल टचेज बाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,0, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये चार लाइन गिवन है, उसने बोला है कि इन चार लाइन में से वो लाइन कौन सी है जो इस सर्कल पे क्या नहीं है, टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, सर्कल कहाँ पे टच करता है वाई एक्सिस को, इस पॉइंट पे 0,4 पे, किस पे, 0,4 पे। तो अभी भी हमने पढ़ा, ठीक है, अगर किसी लाइन को किसी पॉइंट पे सर्कल टच करता हुआ निकलता है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x-x1² + y-y1² प्लस लैम्डा उस लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, x-0² ठीक है, प्लस y-4² प्लस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा के लिए उसने हिंट दिया है, लैम्डा के लिए उसने हिंट क्या दिया है, कि ये जो सर्कल है ये और कौन से पॉइंट से पास करता है, 2,0 से, किस और पॉइंट से पास करता है ये, 2,0 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे 2 रखेंगे, वाई की प्लेस पे 0 रखेंगे, अगर एक्स की प्लेस पे 2 रखा तो 4, अगर वाई की प्लेस पे 0 रखा तो 16 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -10, और जब आप इस लैम्डा को -10 यहाँ पे पुट करोगे तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, सर्कल का इक्वेशन बनेगा x-5² ठीक है, प्लस y-4² इज इक्वल टू 5² तो इस सर्कल का सेंटर कितना था, 5,4, और रेडियस कितनी थी, 5। तो इस सर्कल का सेंटर यानी O यानी सेंटर कितना है, 5,4, और रेडियस कितनी है, 5।
अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे हर एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 के इक्वल आ गया तो वो सर्कल पे टेंजेंट है, अगर नहीं आया तो नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी निकालते हैं, तो मॉड ऑफ 5 3 15, ठीक है, माइनस 4 4 16, माइनस 24 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो कितना जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 40 माइनस 15 माइनस 25 का मॉड 25, तो 5, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये है। तो सेकेंड में भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी निकालोगे तो कितना जाएगा 3 5 15, 4 4 16, 16 माइनस 16 25/5, तो ये भी कितना जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पी कितना आएगा 24/5, ठीक है, 24/5। और जो फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना, उसमें भी पी कितना जाएगा हमारे पास 5। तो इसका मतलब क्या था, ये जो पी है ये रेडियस के इक्वल नहीं है। इसका मतलब था जो थर्ड लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है ये इस सर्कल पे, यानी इस वाले सर्कल पे क्या नहीं है, टेंजेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है हमारा उस पे बेस्ड है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ समवन एक्स समथिंग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि कोफिशियंट निकालो उसका ना। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x2। तो पहले क्या किया करो, अगर दो टर्म से ज़्यादा, अगर दो टर्म दे रखे तो सिंपली जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम वो लग जाएगी, उससे आंसर निकाल लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम से भी हो सकता था, लेकिन मैं इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको कैसे करो, सबसे पहले क्या करो, सबसे लोअर पावर के जो एक्स के टर्म्स हो उनको एक साथ दो, और जो हाईएस्ट पावर के टर्म्स हो उनको अलग कर लो। जिसमें यहाँ पे 1 + x को तो मैं अलग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ, और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूँ। मैंने क्या कहा आपको, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं क्या करता हूँ, इस 1 + x को तो मैं अलग कर लेता हूँ, और इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ये होल की पावर ऑफ 10 हो गया, ठीक है। तो 1 + x को मैं एक बार को एक्स मान लूँ, और एक्स स्क्वायर क्या मान लूँ, वाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, x + y की पावर ऑफ 10, जिसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि बस मुझे x की पावर 4 का ही कोफिशियंट चाहिए, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो पहले मैं लिखूंगा टेन सी जीरो, हमारा x कितना है 1 + x, तो 1 + x की पावर ऑफ 10, करेक्ट है। और y तो 0 है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की पावर 0 यानी 1 प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, टेन सी 1, ठीक है ना, 1 + x की पावर ऑफ 9, ठीक है, 10 - 1, तो इंटू वाई की पावर ऑफ 1, वाई कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 C2, 1 + x की पावर ऑफ 8, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ 2 यानी एक्स की पावर 4 प्लस, ठीक है, एंड सो। अब आप देखो, अगर मैंने नेक्स्ट टर्म लिखा तो उसमें एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है ना, और एक्स की पावर 6 की मल्टीप्लाई तुम किसी से भी करोगे तो वो हमेशा एक्स की पावर 6 से ज़्यादा ही टर्म्स आपको देगा। तो मुझे तो केवल एक्स की पावर 4 पे ही कंसंट्रेट करना था, तो वो जो केवल मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकती थी, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से। यहाँ से मिलने वाला कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से मिलेगा, 1 + x की पावर 10 में 10 C4 जब मैं लिखूंगा तो 10 C4 x की पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 10 C0, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इंटू इसके एक्सपेंशन में कहाँ से मिलेगा, 10 C4 से मिल जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ओनली एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, 9 C2 से। 10 C1 तो कॉन्स्टेंट है ही, ये आएगा इंटू 9 C2 प्लस, यहाँ पे एक्स की पावर 4 ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट चाहिए यानी 8 C0, ठीक है, यानी 10 C2 तो रहेगा ही रहेगा इंटू 8 C0। आ रहा ना समझे आपको, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 10 C0 को तो 1 ही हो जाएगा, 10 C4 को जब आप लोग सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 210, तो 10 C4 कितना हो जाएगा 2। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कैलकुलेट किया है तब लिखा है, ठीक है ना। आप लोग 10 C4 को कैलकुलेट करोगे तब लिखोगे 210। 10 C1 कितना होता है 10, ठीक
ठीक है, 9C2 कितना होता है इसको भी मैंने कैलकुलेट किया, इट विल बी 36 प्लस 10C2 कितना होगा 45, ठीक है, इंटू 8C0 कितना होगा 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 210 प्लस 360 प्लस 45, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 615, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट से बेस्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप उठा लो, बोर्ड का एग्जाम उठा लो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा लो, उसमें पक्का गारंटी है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आएगा। और जो आता है मेनली जो 40% प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो जो 40 से 50% प्रॉब्लम है वो इन दोनों प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से 2 a f x, यानी लिमिट को अगर हाफ करना हो तो क्या होती है, ट्वाइस 0 से f x dx, अगर f(2a-x) की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कोस की पावर 8x, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पक्का गारंटी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसको इस इंटीग्रेशन को आई मान लिया और प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, पहली वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो इसको अगर लगाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2π-x। ठीक है, साइन 2π-x करेंगे तो इवन पावर है, तो ये इट विल रिमेन सेम, इन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि इवन पावर है ना। ठीक है, और 2π के फैक्टर में क्या होते हैं, साइन साइन में रहता है और कॉस कॉस में रहता है, तो ये दिस विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो जब इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो एक बार 2π के टर्म्स 2π को अलग कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 2π को तो एक बार अलग कर लिया, 0 से 2π साइन की पावर ऑफ 8x अपॉन, ठीक है, साइन की पावर 8x प्लस कोस की पावर ऑफ 8x dx, और एक बार माइनस एक्स, तो 0 से 2π आ जाएगा यहाँ से, 0 से 2π। ठीक है, तो इट विल बी साइन की पावर ऑफ 8x अपॉन साइन की पावर ऑफ 8x प्लस कोस की पावर ऑफ 8x dx, ये बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो हमने ले लेने, ठीक है, यहाँ पे x भी आएगा, सॉरी दिस विल बी x, और ये क्या था हमारे पास, i है, इसको तुमने i मान रखा था, तो इधर शिफ्ट होके कितना हो जाएगा, ये 2i, तो 2 से 2 का फैक्टर चला जाएगा, तो यहाँ पे i कितना बचेगा, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π साइन की पावर ऑफ 8x dx अपॉन साइन की पावर ऑफ, ठीक है, 8x प्लस कॉस की पावर ऑफ 8x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम देखो कि ये फंक्शन अगर मैंने x की प्लेस पे 2π-x रखा तो ये तो f(x) ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, तो लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे i कितना बनेगा, दिस वन, दिस विल बी i इज इक्वल टू 2π, लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ 0 से π। ठीक है, इट विल साइन की पावर ऑफ 8x, ठीक है, अपॉन नीचे फिर से कितना जाएगा, साइन की पावर ऑफ 8x प्लस कोस की पावर ऑफ 8x, और ये कितना होगा, dx। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर से पाई रखने पर f(π-x), ठीक है, फिर से सेम फंक्शन बन जाएगा, तो फिर से इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ठीक है, इट विल बी 4π इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, लिमिट क्या हो जाएगी, π/2 साइन की पावर ऑफ 8x, और नीचे कितना आएगा हमारा, वही साइन की पावर ऑफ 8x प्लस कोस की पावर ऑफ 8x, इट विल बी dx।
सही है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं एक्स की प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखूँगा तो ऊपर कोस एक्स कोस की पावर ऑफ 8x हो जाएगा, और नीचे वाले पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया फिर से दोबारा से। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो फिर मैंने क्या किया, इन दोनों प्रॉपर्टी को ही बार बार यूज़ कर रहा हूँ ना बार बार। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू, ये कितना बन जाएगा, कोस की पावर ऑफ 8x, और नीचे इट विल रिमेन द सेम, ठीक है, साइन की पावर ऑफ 8x प्लस कोस की पावर ऑफ 8x dx। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मानूं और इस इक्वेशन को सेकंड मानूं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है, बी के फोर, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लूँ, सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा 2i, ठीक है, इज इक्वल टू 4π। जब मैं दोनों को इन दोनों को ऐड करूँगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, और इसको फर्दर तो 2 से 2 का फैक्टर चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, i इज इक्वल टू 2π इंटू पाई बाई 2, 2 से फिर से 2 चला जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा इसका, पाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, पाई स्क्वायर। तो देखा आपने बार बार हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, एक तो ऊपर वाली फर्स्ट वन और एक सेकंड वन नीचे वाली। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। आइए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ओ सॉरी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस पे यूजुअली जेई मेंस और आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो फॉर्म कैसी होती है, dx अपॉन x प्लस a टू द पावर ऑफ अल्फा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ये पावर अल्फा है, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर ऑफ बीटा। क्या है, एक्स माइनस बी टू द पावर ऑफ बीटा, इसको इंटीग्रेट करना, जहाँ पे ए बी अल्फा बीटा सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले ये देखते हैं कि अल्फा बीटा में पावर किसकी कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर बीटा की पावर कम हुई, ठीक है, अल्फा की पावर ज़्यादा हुई, तो इस एक्स प्लस ए वाले टर्म को एक्स माइनस बी के नीचे भेज देंगे बीटा पावर के साथ ही। अब जितनी भी पावर बचेगी, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस ए की पावर कितना बचना चाहिए, 2, कितना बचना चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर, क्या इतना बचना चाहिए, स्क्वायर, और फिर इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, टी, और टी मान के हम लोग क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 टू द पावर ऑफ 8/7 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर ऑफ 6/7। पहली बात, दोनों लीनियर लीनियर फॉर्म में है, ठीक है ना, एक्स प्लस ए की पावर ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस बी की पावर ऑफ बीटा, अल्फा बीटा ए बी सब रियल, सब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या, 8/7, 6/7 में छोटी पावर कौन सी है, 6/7, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 की पावर ऑफ 6/7 से को इसके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा तो इट विल बी, तो यहाँ से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स की पावर ऑफ 4/7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस 4 की होल पावर 6/7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 टू द पावर ऑफ 6/7, ये हो गया 6/7, यानी ये एक्स प्लस 4 की पावर 6/7 मैंने इसके डिनोमिनेटर में लेके गया हूँ, तो मुझे यहाँ भी एक्स प्लस 4 की पावर 6/7 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अगर मैं एक्स प्लस 4 की पावर ऑफ 8/7 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर ऑफ 6/7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस बार मैंने इसको टी माना, यानी मैंने क्या किया, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 को क्या मान लिया, टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम रखो, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो 1 माइनस, अब न्यूमरेटर को सेम रखो, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 अपॉन, यानी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डी टी, यानी ये वाला पोर्शन, ये हमारा, ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डी टी, और ये कितना है, टी। तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, अपॉन टी की पावर ऑफ 6/7, जो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर ऑफ -6/7 डी टी।
तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या फॉर्मूला आता है, एक्स की पावर एन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर ऑफ एन प्लस वन, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो कितना हो जाएगा टी की पावर ऑफ -6/7+1, तो 1/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/7, तो 1/7 अपॉन, यहाँ पे भी -6/7+1, यहाँ पे भी 1/7 हो जाएगा, तो 1/7+c, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से, यहाँ से आंसर आ जाएगा 7t, किसको माना था हमने, x-3/(x+4) की पावर, इसको माना था, इसकी पावर 1/7+c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, हमने कहीं गलती तो नहीं की, देख लो एक बार, ठीक है, नहीं शायद कहीं भी गलती नहीं की, सॉरी यहाँ पे +7 का फैक्टर आएगा ना, 4+3=7, यहाँ पे एक 7 का फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 7 का फैक्टर आ जाएगा, जो यहाँ पे, ठीक है, तो 7dx, तो इस 7 से 7 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 1/7 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x-3/(x+4)^2 ऑफ 1/7+some constant c, ठीक है, तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन की एक दो प्रैक्टिस और करोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है।